नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 1984 में भारत के कैप्टन राकेश शर्मा सोवियत संघ के मिशन पर अंतरिक्ष में पहुंचे थे। 2025 में भारत का गगनयान 4 गगनवीरों को लेकर अंतरिक्ष में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से उन 4 गगनवीरों का परिचय करवाया। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम के इसरो के केंद्र में बने गगनयान मिशन के असेंबली में पहुंचे। उन्होंने मिशन से जुड़े इंटीग्रेटेड पार्ट्स का जायजा लिया और जाना कैसे इसरो के वैज्ञानिक गगनयान मिशन को पूरा करेंगे। अब देखिए वो 4 गगनवीर अंतरिक्ष में भारत का कीर्तिमान। इक्कीसवीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वह अप्रत्याशित कल्पना से परे है। स्पेस से सेमीकंडक्टर तक दुनिया की अगली कतार में पहुंच गया है। ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है। अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि है जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। पंद्रह अगस्त 2018 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि मां भारती की कोई संतान अंतरिक्ष में जाएगी। अब संकल्प के सार्थक होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया से भारत के 4 गगनवीरों से परिचय करवाया। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं।
ये वो चार गगनवीर हैं जो 40 साल पहले अंतरिक्ष में गए भारत के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाएंगे। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा। ठीक 40 साल पहले यानी 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। अंतरिक्ष में कदम रखने से पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे, लेकिन वो इसरो और सोवियत संघ के जॉइंट मिशन में अंतरिक्ष तक गए थे। लेकिन इस बार अंतरिक्ष में जाने वाले चारों भारतीय जिस मिशन पर जा रहे हैं वो गगनयान भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में जब लाल किले से भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी, तभी से गगनयान में यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के नामों पर सस्पेंस बना हुआ था। अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है, आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। चार नाम सामने आए, चार गगनवीर सामने आए तो भारत के पहले मानव सहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान का सस्पेंस खत्म हो गया। एनडीए के पूर्व छात्र एस्ट्रोनॉट प्रशांत बालकृष्णन नायर केरल के रहने वाले हैं, वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं, सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल कर चुके हैं। प्रशांत बालकृष्णन नायर 1998 में वायुसेना में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। वो SU-30 MKI, MiG-21, MiG-29, हॉक, डॉर्नियर, AN-32 जैसे फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं और उन्हें 3000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप भी वायुसेना में फाइटर और टेस्ट पायलट हैं। वो भी ग्रुप कैप्टन के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री अजीत कृष्णन वायुसेना के टेस्ट पायलट और ग्रुप कैप्टन हैं। वहीं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वायुसेना में विंग कमांडर हैं और बाकी तीन की तरह उन्होंने भी कठिन टेस्ट को पास किया है। मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के चार विंग कमांडर गगनयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चारों भारतीय गगनवीरों को
अपने हाथों से एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए। साहसिक साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, इन चारों की रूस में 13 महीने तक बहुत कठिन ट्रेनिंग हुई है। इन चारों गगनवीरों का चयन किस तरह हुआ, इन्हें किस तरह की टफ ट्रेनिंग मिली, इसके बारे में विस्तार से जानकारी वाला एक वीडियो इसरो स्पेस फ्लाइट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसे देखकर पता चला कि इन सभी का क्लिनिकल ट्रायल हुआ, मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। इसके बाद इन्हें साल 2020 में 13 महीने के लिए रूस भेजा गया, जहां उन्होंने पैराबोलिक फ्लाइट्स की ट्रेनिंग ली, भयंकर बर्फबारी में सर्वाइवल स्किल पर ध्यान दिया, रेगिस्तान जैसे माहौल के लिए खुद को तैयार किया। इसके अलावा वाटर लैंडिंग ट्रेनिंग भी हुई। आपके कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल में योग का एक बड़ा रोल है। इस मिशन में हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी और इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। ये पूरे भारतवर्ष को गर्व से भर देने वाला ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि वायुसेना की ये चार जांबाज विंग कमांडर आज 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने को तैयार हैं। अब देखिए इनका सिलेक्शन कैसे हुआ और फिर इनकी ट्रेनिंग कैसे हुई। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बड़ी संख्या में पायलट्स ने एप्लीकेशन दी थी। इनमें से 12 ने सितंबर 2019 में पहले लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया था। इसके बाद कई सिलेक्शन राउंड के बाद 4 को सिलेक्ट किया गया। जून 2019 में इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी के बीच पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए करार हुआ था। इसके बाद इन पायलट्स को रूस के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। यहाँ पर फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक इनकी ट्रेनिंग हुई। कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। कि कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। मिशन चंद्रयान और आदित्य यान की सफलता के बाद दुनिया भर में भारत की स्पेस शक्ति का डंका बज रहा है। अब भारत गगनयान से एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रचने को तैयार है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा।